हेलो दोस्त, एक गुड न्यूज आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में। अभी सुबह वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि कोर्ट केस है जिसकी सुनवाई 9/9/2022 का है और उसमें रेलवे अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज किया जाए। और जैसा कि आपने देखा ही है, रिजल्ट सारा एक के बाद एक के आ रहा है, तो अगला रिजल्ट लेवल 5 और 2 का आरआरबी गुवाहाटी का टाइपिंग टेस्ट के लिए आ गया है। टाइपिंग टेस्ट का डेट अनाउंस अभी जल्दी ही होगा। अगर ऐसा फाइनल होता, यानी कोर्ट केस मजबूत होता और रेलवे मान के चलता कि आगे की ये प्रोसेस हमें रोक के रखना है और कोई गाइडेंस होता रोकने के लिए, तो आरआरबी गुवाहाटी का रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि CBT 1 पे तो वहाँ भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, कट ऑफ भी दे दिया है, फाइनल रिजल्ट होल्ड नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट भी रेलवे जैसे ही तैयार होगा वो दे देगा हमें लगता है, क्योंकि कोर्ट केस का जब तक डायरेक्शन नहीं आएगा कि रिजल्ट को रोके, तब तक रेलवे को जल्दी करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लेट हो गया। और उस नोटिस में भी देखा होगा आपने कि लिख दिया कि अक्टूबर 2022 तक हमारी फाइनल प्रोसेस करने की तैयारी कर रहा है। ये कौन कर रहा है, कंप्लेनर या पेटिशनर जिसने एग्जाम कोर्ट में डाला है, वही कह रहा है कि रेलवे अक्टूबर 2022 तक फाइनल करने की कोशिश कर रहा है और हमारी सुनवाई 25/11 को है, 2022 को है, तो हमारी सुनवाई जल्दी किया जाए 9/9/2022 को। यानी उन्होंने डिमांड किया है कि रेलवे जितनी तेज़ी से चल रहा है, हमारी रिजल्ट, हमारी पिटीशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो इसको चलिए वेबसाइट पे देखते हैं एक एक करके सारा डिटेल, बिना हवा में बात करने से अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हम रेलवे के जो नोटिस आया है, जो कोर्ट केस वाला स्टेटस है CBT 1 का रिजल्ट के रिगार्डिंग, उसकी सुनवाई पहले रखी गई थी कि 25/11 करना है, उसको घटा के यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 9/9/2022 को आया। और उस वीडियो में, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। तो शुभ घड़ी में चलिए कोर्ट केस की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो रिजल्ट आया है उसकी। तो रिजल्ट कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको ताज़ा ताज़ा रिजल्ट दिखेगा गुवाहाटी पे। तो देखिए यहाँ 6 तारीख के डेट में 4 अपडेट हैं, 4 अपडेट में से 2 कटअप और लेवल 2 और लेवल 5 का कैंडिडेट क्वालिफाई है, उनके रोल नंबर। तो जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं शुभकामनाएं, और कटअप 50 के आसपास रहा इसके लिए भी शुभकामनाएं, कुछ जगह 63-64 भी है इसके लिए भी शुभकामनाएं। तो चलिए एक अच्छा है, अब इनमें से एक एक करके आप देख लीजिएगा। थोड़ी देर में www.railwaylifeLP.com पे भी, वेबसाइट पे मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसलिए कि वहाँ पे कई सारे एनालिसिस है, उसमें ये डाटा हमारा काम आएगा टाइपिंग टेस्ट में कितने कैंडिडेट आए हैं। तो चलिए एक एक करके हम डाटा को पहले ले लेते हैं, वेबसाइट को हमने बंद कर दिया, पहले हम ले लेते हैं कैंडिडेट जो लेवल 2 में क्वालिफाई हैं, उनका रोल नंबर ये है। और इसमें लिखा है कि रिजल्ट के आपका CBT ST में लैंग्वेज चेंज करने का लिंक जल्दी ही दिया जाएगा और आपकी एग्ज़ाम डेट जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा, अर्लीस्ट में, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बाकी आप तैयार रहेंगे। PWD कैंडिडेट हैं, तो अगर उनको आपको एग्ज़ाम का एग्जामेशन चाहिए टाइपिंग टेस्ट के लिए, उनके लिए फॉर्मेट भी दे रहा है। और साथ में जो कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहता है उनका डिटेल है। लेवल 2 में कितने कैंडिडेट है इसके बारे में लास्ट लिस्ट में आएंगे, बाकी अपना रोल नंबर सर्च कर लेंगे कैंडिडेट। तो यहाँ पर हम लेवल 2 में कितने कैंडिडेट हैं, एक मिनट, यहाँ पे फिक्स कर लीजिए, 1894 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए 1894 कैंडिडेट को बधाई। उसके बाद आपका लेवल 2 के बाद लेवल 5 वाला की बात कर लेते हैं। तो लेवल 5 में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, तो लेवल 5 में भी वही है, डेट अनाउंस नहीं हुआ है टाइपिंग टेस्ट का, लेकिन जल्दी होगा और सभी का रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ भी 1800 के समथिंग में ही लोग होंगे, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेवल 5 में, एक मिनट, यहाँ पर देखिए 1918 कैंडिडेट है, यानी 1800 लगभग 3500 प्लस कैंडिडेट आपके पास, 3600-3700 कैंडिडेट आपके आ गए हैं लगभग आपके गुवाहाटी में, जिनका टाइपिंग टेस्ट होना है और एक दिन का एग्ज़ाम है, एक शिफ्ट में भी हो सकता है ये सारा का सारा टाइपिंग टेस्ट। तो ये कभी भी अनाउंस जल्दी ही हो जाएगा आपका। अब बात रही कटअप का, तो कटअप तो आपको देखना ही पड़ेगा, कटअप के लिए तो बिना कटअप दे के भागेंगे ही नहीं आप, तो कटअप तो देखना पड़ेगा। तो पहले किसका देख लें, लेवल 2 का जिसका कम है, लेवल 2 का कटअप की बात करेंगे तो UR का 58.333, उसके बाद आपका AC का 47, ST का 41, OBC के लिए 51 और EWS का 48, और ये नंबर 120 में से हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट के बाद, टाइपिंग टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट लिया है और हर कैंडिडेट मात्र लिए जितने भी NTPC में है, लेवल 6 में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 और 2 में से एक किसी में है,
कैंडिडेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ कैंडिडेट नन टाइपिंग में भी यही सारे जाएंगे, यानी लेवल 3 वाले पोस्ट में भी और 5 में गुड गार्ड्स वगैरह में भी सब यही कैंडिडेट मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका इफेक्ट आगे पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कटअप 1-2 नंबर बढ़ के हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर कटअप दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए EWS का 48 कटअप है तो 50-55 में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो हमें नहीं लगता हो जाएगा, बहुत अचानक बढ़ेगा क्योंकि 8 में से 1 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो तेज़ बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कितने लोग क्वालिफाई होंगे टाइपिंग टेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरा टेस्ट की बात कर लेंगे, दूसरा लेवल की रिजल्ट का, लेवल 5 का गुवाहाटी का देख लेते हैं, इसको भी देखना ज़रूरी है। यहाँ लेवल 5 में देखेंगे तो यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा कटअप है, यहाँ पे 63.33 है, 51 का है आपका SC का, ST का 47, यहाँ पे आपका 55.66 और 49.66 EWS का है, तो कटअप तो एकदम बिल्कुल सही है, मतलब 50% पे UR का सिलेक्शन हुआ है, 50+ यानी 51-52% पे, तो अच्छा है। लेकिन कैंडिडेट कम्युनिटी में और कम पे हुआ है तो अच्छा है एक बात, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो हुआ नहीं, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे शिफ्ट हुए थे अलग अलग करके, तो यहाँ पे आपका लेवल वाइज हुआ था एग्ज़ाम। चलिए अब लेवल 3 का यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया इसलिए नहीं लग रहा है, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो अब इसमें फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे, तो अब फाइनल रिजल्ट के बाद इनकी टाइपिंग टेस्ट होगी, और जो बाकी लोगों का जो फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है, यानी जो लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं, उनको क्या लगता है कोर्ट केस पे असर पड़ेगा इस रिजल्ट पे? हमें लगता है ज़्यादा चांस है 90% कुछ असर नहीं पड़ेगा, जिसकी सुनवाई 9/9/9/2022 को है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट होल्ड होती तो सभी की होल्ड होगी, नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे कि RRB गुवाहाटी ने रिजल्ट दे दिया, टाइपिंग टेस्ट का देने वाला है, तो बाकी रिजल्ट जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा रेलवे कोशिश करेगा वेबसाइट पर अपडेट कर दे बाकी लेवल 6 वगैरह एग्ज़ाम का। तो चलिए गुड न्यूज, थैंक यू।